स्क्वाड भी हुआ फेल, छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट का मामले में अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई, पीड़िता ने छोड़ी पढ़ाई, भाई सदमे में। यूपी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बादशाह सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आए, बादशाह सिंह के बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, व्यापारी के बेटे का किया था अपहरण। वाल्मीकि समाज द्वारा अभिनेता सलमान खान का विरोध जारी, प्रदर्शनकारियों ने सलमान का फूका पुतला, की नारेबाजी, सलमान ने वाल्मीकि समाज पर की थी टिप्पणी। तीन दिवसीय भीलवाड़ा महोत्सव का हुआ आगाज, निकाली गई 3 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा, युवाओं बच्चों को संस्कृति की जानकारी देने का है उद्देश्य। और 391 प्रकाश उत्सव पर बिहार सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए की नौका विहार की व्यवस्था, 3 स्टीमर्स से यात्री लेंगे गंगा की लहरों का मजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म संसद समिति की ओर से आगामी 15 फरवरी को जोधपुर में धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। धर्म संसद के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए समिति के प्रवक्ता प्रेम दास ने बताया कि देश में लगातार वाल्मीकि समाज को शोषण हो रहा है, धर्म संसद के माध्यम से समाज को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्तर पर ऊंचा लाने का प्रयास किया जाएगा, साथ ही आगामी चुनाव को लेकर एक मंच पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। देश के अंदर वाल्मीकि समाज का शोषण जोरों से हो रहा है, राजनीतिक शोषण से मुक्ति के लिए वाल्मीकि समाज के धर्मगुरु आचार्य श्री चरणदास जी महाराज शाह ने 15 फरवरी को जोधपुर के अंदर प्रथम राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म सभा का ऐलान किया है और हिंदुस्तान के सभी प्रांतों से हजारों की तादाद में साधु संत पधार रहे हैं और उस पर यह प्रस्ताव लाया जाएगा कि देश के अंदर हम किसी भी राजनीतिक दल को 2018 और 2019 के चुनाव में समर्थन नहीं देंगे। कला के टीचरों की भर्ती नहीं निकालने के विरोध में राजस्थान की राजधानी जयपुर में कलाकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वो लोग कई बार सरकार को ज्ञापन भी दे चुके हैं, उन्होंने पेंटिंग बनाकर विरोध प्रदर्शन जताया। उन्होंने सरकार को उनकी मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की भी धमकी दी है। अच्छे सालों से कलाकार पीड़ित है, जिसमें चित्रकला संगीत विषय चल रहा है, अनिवार्य विषय के रूप में कला शिक्षा के रूप में चल रहा है, लेकिन उन लोगों की भर्ती राजस्थान सरकार नहीं निकाल रही। क्यों नहीं निकाल रही? कलाकार एक थोड़ा सा कलात्मक कलाकार है, संख्या में कम है, लेकिन कलाकार जो है विश्व स्तर पर अपने प्रदेश का नाम रोशन करता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि कक्षा एक से चित्रकला संगीत विषय अनिवार्य विषय के रूप में चलता है कला शिक्षा में, लेकिन एक भी टीचर कलाकार विषय में नहीं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बनास नदी में बस गिरने से 33 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में मरने वाले ज्यादातर एमपी और यूपी के लोग हैं। इतने बड़े हादसे के लिए अभी तक किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। प्रशासन की ओर से भी इस हादसे के लिए कोई निर्णायक जवाब नहीं दिया गया है। आमतौर पर ऐसे हादसे होते रहते हैं और इन सभी हादसों में चालक की लापरवाही के साथ साथ बस के खटारा होने की भी बात सामने आई है। यदि ट्रांसपोर्ट और पुलिस महकमा अपना कार्य ईमानदारी से करे तो लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है भैया, जैसे अपने प्राइवेट गाड़ियां चलाते हैं, मान लो एक हादसे होते हैं, गलत चीज होगी, हादसे हो गया, और इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट सेंटर की हर गाड़ियों के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हो। मानते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जैसे ड्राइवर की लापरवाही की वजह से, या कोई सामने वाले छोटे मोटे, जैसे कोई भी टैक्सी या छोटी गाड़ी आती है उसकी वजह से भी एक हादसा होता रहता है। और बाकी जैसे अगर प्राइवेट लाइन हो चाहे गवर्नमेंट लाइन हो, ड्राइवर लाइन में जो भी आता है तो ड्राइवर को जैसे जिस तरह से कानून चढ़ा भी है।
पूर्व श्रम मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बादशाह सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल पुलिस लखनऊ के एक व्यापारी के बेटे के अपहरण मामले में बादशाह सिंह के फार्म हाउस पर छापेमारी करने पहुंची थी। लखनऊ क्राइम ब्रांच और महोबा पुलिस की संयुक्त टीम ने बादशाह सिंह के फार्म हाउस पर छापा मारते हुए व्यापारी के बेटे को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने अपहरण के मामले में बादशाह सिंह के बेटे सहित तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है। में मुझे एसएसपी लखनऊ सर का कॉल आया, ऐसे उधर लखनऊ से एक लड़का का अपहरण हो गई, उनकी लोकेशन इधर आ रहे हैं महोबा करेला एरिया में। इसके लिए एक टीम क्राइम ब्रांच का टीम आ रहा है उधर से, इसी टीम के साथ महोबा पुलिस का भेज करके उनका पकड़ने के लिए प्रयास कर लीजिए, ऐसे कॉल आया। मैं सीओ चरकारी का नेतृत्व में इधर से महोबा पुलिस का उनके साथ भेजा, वो लोकेशन फाइनली आया उनका। बादशाह सिंह जी एक मिनिस्टर है, उनकी वो फार्म हाउस का लोकेशन आया, फिर उधर रेड हो गई। रेड के समय किसका अपहरण हो गई, शिवम जायसवाल, वो उनके साथ बादशाह सिंह का बेटा है शिवा, फिर दो और लोग ये सभी हैं, उन लोग का पकड़ करके हमने हैंड ओवर कर दिया लखनऊ क्राइम ब्रांच टीम का, वो लेके चली गई। उधर पूछताछ चल रहा है, पूछताछ के बाद पूरी वो आएंगे, जानकारी आएंगे। अम्बेडकर नगर में शहीदों द्वारा बीएससी की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और पीड़िता और उसके परिजनों के साथ मारपीट मामले में पीड़ित परिजनों ने अब एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि तकरीबन एक महीने पहले सम्मनपुर थाना इलाके में शहीदों ने बीएससी की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की थी, और इतना ही नहीं, उन्होंने छेड़छाड़ का विरोध करने पर पीड़िता और उसके परिजनों की पिटाई भी की थी। घटना में पीड़िता के भाई को गंभीर चोटें भी पहुंची थी और उसका अभी भी इलाज चल रहा है। आरोपियों के डर से चलते पीड़िता ने भी पढ़ाई छोड़ दी है। पीड़िता ने इस मामले में डायल 100 पर भी शिकायत की थी, लेकिन उसकी कोई अभी तक सुनवाई नहीं की गई। टाइम कहा था इनकी पढ़िए, इनकम पेट्रोल छिड़क के मार डर, कहूँ जाइए इनकम जरूर, कहूँ ना कहूँ इनकम खत्म कर दे। पुलिस क्या कर रही है साहब? कुछ ना पुलिस कर पाए, बटवा मर जाए साहब, हमारे बेटवा को ना सुनवाई ना, दिमाग में लग गए चोट, क्या ना सत्ता ना रुपया दे दे मार का दें, गरीब को सुनवाई ना, इसे चाहे जाकर इज्जत लूटा है। नहीं, आपके माध्यम से मेरा ये कहना ये है कि अगर इस तरीके का प्रकरण है तो निश्चित रूप से शिकायतकर्ता को शिकायत करनी चाहिए और उसके शिकायत के आधार पर विधिक कार्रवाई होगी। एफआईआर अगर पंजीकृत है तो अन्वेषण का कार्य हो रहा होगा और अन्वेषण के बाद जो है नियमानुसार कार्रवाई होगी। फिल्म अभिनेता सलमान खान द्वारा वाल्मीकि समाज पर की गई जाति सूचक टिप्पणी से वाल्मीकि समाज में लगातार रोष बना हुआ है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर वाल्मीकि समाज के सैकड़ों युवकों ने सलमान खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने सलमान खान का पुतला भी फूंका। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि फिल्म अभिनेता सलमान खान सार्वजनिक मंच से वाल्मीकि समाज से माफी मांगे, नहीं तो वाल्मीकि समाज बड़ा उग्र प्रदर्शन करेगा। चिकित्सकों की हड़ताल के चलते लोगों को शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्री गंगानगर में लोगों को पोस्टमार्टम के लिए 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। कई मामलों में पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को शव के साथ भटकना पड़ रहा है। वहीं पुलिस के सहायक उप निरीक्षक सुभाष गिला ने बताया कि निजी चिकित्सक जो पूर्व में राजकीय सेवा से रिटायर हो चुके हैं, उन्हें शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए सरकार को नियुक्त करना चाहिए, जिससे परिजनों को इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जो एक्सीडेंट या इमरजेंसी केसेस के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर डिग्री होल्डर हैं, उनको पोस्टमार्टम की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ताकि इस स्ट्राइक जैसे मामले के अंदर मृतक के परेशान वैसे ही परेशान है और उस मृतक डेड बॉडी को लिए हर जगह घूमना पड़ता है।
391 प्रकाश उत्सव को लेकर देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को गंगा में सैर कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से पटना साहिब के कंगन घाट पर नौका विहार की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 3 स्टीमर्स को फेरी सर्विस में लगाया गया है। ये कंगन घाट से गाय घाट तक श्रद्धालुओं को गंगा की सैर कराएंगे। 1000 की क्षमता वाले जहाज पर सवार हो सभी श्रद्धालु गंगा की लहरों पर नौका विहार कर आनंद ले सकेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में पुलिस के जवानों सहित SDRF की टीम भी लगाई गई है। पटना साहब हम अपने गुरु के दर्शन बड़े खुले उससे आराम से किए, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। इतनी फोर्स इतने प्यार से बोलते हैं सब, बहुत अच्छी तरह हमें बहुत हेल्प की, बहुत ही फ्री, जहाँ जाते हैं हम फ्री लेके जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर अम्बेडकर नगर में किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम लोहिया भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खेती में अधिक उत्पादन पर जिला स्तर से 16 और ब्लॉक स्तर से 5 किसानों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान कृषि विभाग की ओर से एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस मौके पर भाजपा विधायक समेत जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के फतेहपुर में रानी विक्टोरिया के नाम से जाने जाने वाला तालाब की हालत बद से बदतर हो चुकी है। रानी विक्टोरिया तालाब शहर के बीचों बीच आबादी के अंदर और नगरपालिका परिसर की ऑफिस के ठीक पीछे बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदार आला अधिकारी अपनी आंखें मूंदे हुए बैठे हुए हैं। नगरपालिका के कर्मचारी की मिलीभगत के चलते तालाब कूड़ा डलवाकर उनकी पुराई करा ज्यादा दामों में प्लॉट भूमाफिया भेज रहे हैं। जब इस मामले में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी रश्मि भारती से बात की गई तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की बात कही है, लेकिन फिर सवाल यह है कि इतने सालों से तालाब का सुंदरीकरण क्यों नहीं हुआ। ये आप तालाब के पीछे देख रहे हैं, इसमें पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं और ये हमारा हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक तालाब है। कभी महारानी विक्टोरिया के नाम से विख्यात था, आज भी विख्यात है। और ये करीब करीब मुझको जहाँ तक मालूम है ये करीब 8-10 बीघे का था पहले। ये होता क्या था कि हर बार हर 2-3 साल बाद लेखपाल आते, उसको 2 बीघा कम करके 8 बीघा कर दिया, फिर 8 बीघा चलता है कुछ दिन, फिर 2 बीघा कम कर दिया, फिर 6 बीघा चलता है कुछ दिन, फिर 2 बीघा कम कर दिया, कुछ दिन 4 बीघा चलता है। अच्छा, अपना जो अधिकारी वर्ग है वो समझ पाते नहीं है, सब पूरा खेल लेखपाल और कानून को वगैरह का होता है। जो भी अवैध कब्जे हैं इस पर एक संयुक्त टीम कार्य करती है, जिसमें SDM सदर होते हैं, पुलिस विभाग के लोग होते हैं, नगर पालिका की टीम होती है। जब ये जानकारी मिली है तो इसमें अगर कोई भी जानबूझ कर इस तरह के कब्जे कर रहा है तो एंटी माफिया एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई होगी और जल्दी हम लोग छत को हटा देंगे। जिसमें कूड़ा डाला जा रहा है, जो कूड़ा वहाँ पर पड़ रहा है वो नगर पालिका की तरफ से नहीं पड़ रहा है, क्योंकि नगर पालिका के अपने 2 डंपिंग ग्राउंड है जहाँ पे कूड़ा पड़ रहा है। यदि किसी के चार्ज बजरी खनन पर रोक के बावजूद खनन माफिया बेखौफ होकर बजरी खनन करने में लगे हुए हैं। जयपुर के कानौता थाना पुलिस को बजरी खनन की सूचना मिलने पर पुलिस और माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने खनन माफियाओं पर कार्रवाई की। पुलिस और माइनिंग विभाग की टीम को पीछा करता देख खनन माफियाओं ने बजरी से भरे ट्रकों को बराला मोड़ के पास सड़क पर बीचों बीच खाली करा दिया। पुलिस टीम ने बचने के लिए खनन माफियाओं ने सड़क पर ट्रकों को दौड़ाते हुए ही सड़क के बीच में ही बजरी को खाली कर दिया। मार्ग अवरुद्ध हो जाने के चलते पुलिस और माइनिंग विभाग की गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पाई और इसका फायदा उठाते हुए खनन माफिया ट्रक सहित मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ट्रक नंबर के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। यूपी के हाथरस के भगवंतपुर गांव में खेतों में एक महिला का जला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से कार्रवाई शुरू की। महिला की हत्या करके शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार शव की पहचान मिटाने के लिए उसको जलाने की कोशिश की गई, शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। नहीं हुआ है, डेड बॉडी मिली है महिला की, उसकी उम्र देखो लगभग अबाउट 25 ईयर के करीब होगी, 24-25 साल की। अब पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, पोस्टमार्टम में देखो क्या बात आ रही है और इसको पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है कि किसकी है, कोई पहचान हो जाएगा जो आसानी से खुल जाएगा। अभी इतना ही मामला है, बाकी इसको डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, लीगल फॉर्मेलिटी की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। यहाँ रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए फॉरन लौट।
of DTH channels and internet content on your TV. Presenting Airtel Internet TV. किस नेता ने कितना किया काम, किसने किया आराम, कौन उतरा अपने वायदों पर खरा, किसने किया जनता का काम, कौन है कितना पढ़ा लिखा, किसके पास कितनी है संपत्ति और कौन बना और धनवान, किसका है आपराधिक रिकॉर्ड, ये सब बताएंगे हम। जानने के लिए देखिए बस हमारा खास प्रोग्राम नेताजी का बायोडेटा, जल्द आ रहा है सिर्फ नेशन लाइव पर। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। के बाद आपका स्वागत है। पुलिस के लगातार कार्रवाई करने के बावजूद भी पटना में शराब माफिया अपना कारोबार करने में जुटे हुए हैं। ताजा मामला पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के नसरुद्दीन गंगा घाट किनारे का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बेचने के लिए गैलन में रखा 40 लीटर महुआ शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो दियारा क्षेत्र से नूरुद्दीनगंज घाट पर शराब लेकर बेचने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी की गई। पकड़ा गया कारोबारी शराब का कारोबार करता था और पहले भी जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने शराब कारोबारी को जेल भेज दिया। शराब बरामद किया गया। आज गुप्त सूचना मिली थी दुर्गगंज घाट किनारे रामाशंकर नाम करके एक शराब माफिया शराब को बेचने के लिए रखे हुए है, जिसको पुलिस दल के द्वारा छापेमारी कर पकड़ा गया। असम के सिलचर में बीएसएफ के जवान ने बदरपुर घाट इलाके से 58 बैग गांजा समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गांजे को एक ट्रक से ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक के चालक और परिचालक दोनों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए गांजे का बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। पकड़े गए लोगों का नाम नारायण सरकार और कैलाश दास बताया गया है। त्रिपुरा से ये लोग गुवाहाटी जा रहे थे। मेरे को BRIT इन्फॉर्मेशन मिलने पर मेरे सीनियर कमांडर ने मेरे को आदेश दिया कि आपके इलाके से एक रंगिया से त्रिपुरा की तरफ ट्रक जा रहा, जिसके बीच में चर्च है। उसको जैसे ही मेरे को हुक्म मिला, मैंने उस अपनी टीम को लेकर उसका सर्च किया और उसके बीच में हमारे को इसके अपने बदरपुर घाट के पास मैंने नाका लगाया और उस नाके के बीच में BRIT टीम के साथ दोनों ने मिलकर हमने ऑपरेशन किया। जिसके बीच में हमारे को इस ट्रक के बीच में से माल मिला, जिसे 58 बैग है चर्च के, जिसकी लमसम वेट है 5। बिहार के पाटलिपुत्र में 27 से 31 दिसंबर तक चलने वाली बॉक्सिंग प्रतियोगिता में असम के गोहपुर की टीम भी हिस्सा ले रही है। प्रतियोगिता में तकरीबन 32 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं दी गई। टीम के मैनेजर ने सरकार से मदद करने की अपील की है। आने वाला 27, 28 और 29 पाटलिपुत्र बिहार में जो हमारा गोहपुर से ये जो कंफू का पार्टिसिपेंट जा रहे हैं, तो उन लोगों को अभी तक जितने भी यहाँ से जनता ने सहाय करके पठाया है, लेकिन हम आशा करते हैं कि अभी तक उन लोगों का गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी सुविधा मुहैया नहीं हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ ताकि ये जो ग्रामीण इलाकों से गए हुए ये प्रतियोगी जो है उन लोगों को, ताकि आने वाला दिन में सरकार सहयोग करे इसी के लिए। जयपुर में बढ़ती सर्दी को देखते हुए विश्वकर्मा युवा संगठन ने आगे आकर गरीब और असहाय लोगों की सेवा की। विश्वकर्मा युवा संगठन ने गरीब और असहाय लोगों को गर्म कपड़े और कंबल बांटे, साथ ही SMS अस्पताल में मरीजों को फल भी वितरित किए गए। विश्वकर्मा युवा संगठन के महामंत्री प्रदीप शर्मा ने बताया कि युवा संगठन इसी तरह हमेशा गरीब और असहाय लोगों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहेगा। इसमें ज़रूरतमंद और असहाय जो निराश्रित हैं उनकी मदद के लिए कंबल वितरण और फल वितरण किया गया है।
जी 101 हमने लक्ष्य रखा है, 101 आज के दिन के लिए, 101 निर्धनों को कंबल वितरण और करीब 51 किलो फल वगैरह इनका वितरण रखा है। 3 दिवसीय भीलवाड़ा महोत्सव में हुए आगाज में पूरी वस्त नगरी उमंग और उल्लास से सरोबर नजर आई। हर उम्र के लोग इस महोत्सव में शामिल हुए। जिला कलेक्ट्रेट से शुरू हुई चित्रकूट धाम तक की 3 किलोमीटर लंबे मार्ग वाली शोभा यात्रा का नागरिकों ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, बैंड बाजों सहित कई कई तरह की झांकियां भी शामिल हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि आज के युवाओं और बच्चों को भारतीय संस्कृति की जानकारी मिले। भीलवाड़ा महोत्सव की शुरुआत है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जब मैं पंचायत राज मंत्री था तब इस भीलवाड़ा महोत्सव की हमने शुरुआत की थी। सभी अपने अपने महोत्सव बनाते हैं, राजस्थान का भी अपना महोत्सव होता है, हिंदुस्तान का भी होता है, उसी तरह से भीलवाड़े का भी ये महोत्सव शुरू हुआ और इस महोत्सव के माध्यम से हम जिले भर के लोगों को सांस्कृतिक रूप से और हमारी कला के रूप में सब दृष्टि से हम जिले को जोड़ करके और हमारी प्राचीन जो संस्कृति रही उसका प्रदर्शन करते हैं। हमने ये कोशिश की है इस उत्सव को वापस से रिवाइव करने की, इसको सौहार्द के साथ और सभी लोगों के सहयोग के साथ मनाने की। इस उत्सव का लक्ष्य है पूरे शहर में एक तरह की अवेयरनेस लाना अपने कल्चर के प्रति, पूरे ज़िले में जो भीलवाड़ा की समृद्ध संस्कृति है उसको लोगों के सामने लेके जाना, मुझे उम्मीद है हम इस लक्ष्य में। जिम को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा हुई अनूठी पहल को लेकर जयपुर में फैशन वीक थीम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत महिलाओं ने लेडीज वीक थीम पर रैंप वॉक किया। कार्यक्रम के अंदर कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम का अहम उद्देश्य ये रहा कि जिम के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। इसी के साथ लोगों को जागरूक किया गया कि इस दौड़ती दुनिया में भी अपनी हेल्थ को लेकर सजग रहें। डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस में जब लोग अपने आप को देखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बनता है और एक मोटिव मिलता है अपने आप को बूस्ट करने के लिए, जिसकी आजकल बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है। और इसके अलावा जैसे एक टारगेट होता है हमारे पास तो हम ज्यादा फोकस्ड होके काम करते हैं। जैसे एग्जाम होता है तो हम पढ़ने लगते हैं, एग्जाम नहीं होता है तो हम पूरे साल में बुक कंप्लीट नहीं करते। तो उसी तरह हर 3 मंथ्स में जब हम एक टारगेट दे देते हैं तो लोग अपने फिगर पे, हेल्थ पे, फेस पे, ब्यूटी। सीतापुर में चुनावी रंजिश के चलते भवनपुरवा गांव के ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक बिस्वा से अपने घर पहुंचा था, तभी अज्ञात हमलावर उसे गोली मारकर वहां से फरार हो गए। लोगों के मुताबिक चुनावी रंजिश के चलते यह हत्या की गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ये भैंसा के प्रधान थे शिवनाथ यादव जी, सनात लाल जी यादव, तो वो कल घर से निकले थे, रात में घर वापस नहीं गए हैं। तो कुंडी एक गांव पड़ता है जी, कुंडी गांव के बाहर सड़क है, वहां पर उनकी मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी और ये भी मृत अवस्था पड़े हुए थे और गोली। असम के डिब्रूगढ़ के मोरानहाट थाना अंतर्गत खुमटाई में 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल मोरानहाट थाना अंतर्गत आलीमुड़ा गांव में मछली पकड़ने के लिए एक बल्ब लगाने की कोशिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। तो वहीं दूसरी ओर मोरान बनमाली सड़क पर खुमटाई तिनाली में एक सड़क हादसे में एक अन्य युवक की मौत हो गई। मृतक की शनाख्त कर ली गई है। हापुड़ में नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार वाहन 2 सिपाहियों को टक्कर मारकर फरार हो गया। सिपाहियों के एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। घायल सिपाहियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया। दोनों सिपाही किसी काम से बाइक पर नोएडा से अमरोहा जा रहे थे।
ये दो आरक्षी हैं जो कि नोएडा में तैनात हैं, अभी पता किया जा रहा है कि वो किन थानों पर तैनात हैं। वो कहीं जा रहे थे अभी मॉर्निंग में सुबह, और एक अज्ञात वाहन के चपेट में आ गए और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, उनको रेफर कर दिया गया मेरठ। वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके परिवार को सूचना भी दे दी गई है, संबंधित थाने पता किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल।